नमस्कार, मैं हूं संदीप प्रजापति। इस 25 जून को एमरजेंसी के 45 साल पूरे हो जाएंगे। 25 जून 1975 को एमरजेंसी लगाई गई थी और एमरजेंसी का नाम सुनते ही हिंदुस्तान के लोगों में भय, डर और अनेक प्रकार की तस्वीर दिमाग के अंदर बनती है कि एमरजेंसी उस दौरान क्या हुई होगी। एमरजेंसी का नाम सुनते ही नसबंदी, मारकाट, जेल, बहुत सारे ख्याल चित्र दिमाग के अंदर पनप उठते हैं। उस एमरजेंसी के भुक्त भोगी आज हमारे साथ मौजूद हैं। एमरजेंसी के हालात पर हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे, जिनका नाम है दिलबाग सिंह मोर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा इस समय वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पब्लिसिटी एडवाइज़र भी रहे और शमशेर सुरजेवाला के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनको देखा जाता था। हालांकि उनके बेटे रणदीप सुरजेवाला के साथ वो कभी नज़र नहीं आए। मामले पर बातचीत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा एमरजेंसी रहेगा। सर, सबसे पहले मैं आपका कैथल ब्रेकिंग टीवी में स्वागत करता हूं। शुक्रिया सभी दर्शकों को। जी नमस्कार जी। दिलबाग सिंह मोर जी, बताएं कि एमरजेंसी उस दौरान क्या थी, लोगों के दिमाग में डर भय क्यों रहता है? देखिए, आज से 45 साल पहले 25 जून 1975 को इस देश में, हिंदुस्तान में, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपना चुनाव हार गई थी और जस्टिस मनमोहन सेना ने उनका जो चुनाव था वो निरस्त कर दिया गया था, और जो उनके याचिकर्ता थे, जो अपील जिन्होंने की थी, राज नारायण जी, उनको उन्होंने जिता दिया था। और वो इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी में एक बहुत जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक में एक निर्णय लिया कि इस देश में जब तक मैं सुप्रीम कोर्ट से भाल ना हो जाऊं, इस देश में एमरजेंसी जारी रहेगी। और वो आज का दिन था, यानी कि 25 जून 1975 को, आज से ठीक 45 साल पहले। मैं देख रहा हूं कि मेरे आंखों के सामने जैसे ही मैं रोहतक जेल के अंदर उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और मैं उस टाइम कैदियों का नंबरदार था, मुझे तत्कालीन वहाँ के जो जेलर थे सरदार त्रिलोक सिंह मान ने मुझे बुलाया। जब मैं ड्यूटी में गया तो मैंने देखा कि बहुत बड़े देश के बड़े बड़े नेता, जिन्हों में चौधरी देवीलाल जी, भैरव सिंह शेखावत जी, बीजू पटनायक जी, एल के अडवाणी जी, और न जाने राज नारायण जी, और न जाने कितने बड़े बड़े नेता वहाँ पर ड्यूटी के अंदर बैठे हुए थे। और मुझे बताया गया कि देश में एमरजेंसी लागू हो गई है और ये सभी राजनीतिक कैदियाँ यहीं रहेंगे और इन सब का रख रखाव और देख रेख आपने ही करनी है। मेरे ऊपर ये सारी की सारी 19 महीने मैंने बाखूबी जो मेरी जिम्मेदारी थी वो निभाई। कैसे ये रहते थे, किस किस तरह इनको रखा गया, किस प्रकार इनके लिए बैरक बनाई गई, कुछ को कंटीन में ठहराया गया, जो एक कैदियों की कंटीन होती है, एक बच्चा खाना होता जैसे मुंडे खाना कहते थे, कुछ में उनको रुकवाया गया, और जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल में वहाँ पर रखा गया। और ठीक 19 महीने मेरे साथ रहे ये पीलू मोदी, राज नारायण, चंद्रशेखर, भैरव सिंह शेखावत, एल के अडवाणी, और जो पत्रकार थे मलकानी साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार थे बलराज सिंह, बलराज मधोक जी, और भाई महावीर जी, और हरियाणा के न जाने कितने बड़े बड़े नेता जो थे, सारे के सारे रोहतक जेल में बंद थे और उनकी देखरेख जहां जेलर त्रिलोक सिंह मान करते थे, और वहां पर एक सीआईडी का मिस्टर मल्होत्रा थे, और मैं दिलबाग मोर, मैं एक जो कैदी था, हमारी देखरेख में ही 19 महीने में उनकी जो कैद थी वो पूरी हुई। कितने महीने आप जेल में रहे और एमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी थी? एमरजेंसी तो जैसे मैंने बताया कि इंदिरा गांधी का जो अपील थी, इलेक्शन की अपील थी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निरस्त हो चुकी थी। वो मिस्टर राज नारायण जो थे, जिन्होंने वो अपील डाली थी, उनके खिलाफ़ जो कैंडिडेट थे, बट वो सीरियस कैंडिडेट नहीं थे, बट उनका फार्म जो है कैंसिल कर दिया गया था। किस प्रकार से उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के साथ उनका फार्म कैंसिल किया गया था, जस्टिस मनमोहन सेना ने उनको, इंदिरा गांधी को वहाँ से हरा दिया था, और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, इसी बीच में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी।
आपने कितने महीने जेल काटी सर? मैं तो जेल में तकरीबन साढ़े चार पाँच साल तक वहाँ जेल में रहा, लेकिन यहाँ का जो पीरियड था मेरा 1975 से लेकर 1980 तक 78 तक मेरा इन्हीं के साथ ही रहा, ज़्यादातर इनके साथ ही मेरा था। मैं जेल से बाहर जाना, इनके लिए सामान लाना, इनकी मुलाकात करना, इनके लिए जो भी वहाँ की जो फैसिलिटी होती है वो पूरी करनी, क्योंकि पूरी की पूरी जेल जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा मेरे अपने ख्याल से वहाँ पर राजनीतिक कैदी थे। राजनीतिक में कह सकते कि वहीं से आपने छलांग लगाई? हाँ, ये सही है कि थी तो बहुत बुरी बात, लेकिन ये भी सही थी कि मुझे बेगुनाह, मैं तो बेगुनाह था और उस टाइम मैं कॉलेज कमला मेमोरियल कॉलेज नरवाना में पढ़ता था और उस टाइम मैं CR था। गांव में कहीं कोई मर्डर हुआ होगा, उसमें मेरा नाम आ गया और मुझे भी उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। ये सही है कि वहाँ मुझे बड़े बड़े राजनीति आदमी मिले और लास्ट तक उनकी मेरी अच्छी दोस्ती रही। और 1978 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने, वो रोहतक जेल आए और रोहतक जेल के अंदर मेरी मुलाकात की। और ये रोहतक जेल का ही जो ना ये फ़ोटो है उस टाइम का, आज से 45 साल पहले का, ये वहाँ का है। ये सुब्रत जेल बीच में खड़े हैं चौधरी देवीलाल, और मैं उस टाइम 20 साल के से भी छोटा था। ये यहाँ आए, मेरी मुलाकात करी और मेरी उम्र कैद की सज़ा माफ़ करने का इन्होंने ऐलान कर दिया था। वहीं पे मौके पे आपकी जो रिहाई? नहीं, मौके पे रिहाई नहीं कर सकता कोई भी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसिंग तो रही होगी। प्रोसेसिंग ये हुई कि पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है, फिर कैबिनेट में पास किया जाता है, फिर गवर्नर को लिखा जाता है, गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डर ले करके फिर सज़ा माफ़ करता। और ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ। और उसके साथ में फिर उसके बाद में मैं चौधरी देवीलाल का पब्लिसिटी एडवाइज़र रहा और बरसों मैंने राजनीति से शुरू करी। चौधरी देवीलाल से ही मैंने शुरू की राजनीति के गुण सिखाने वाले आपको चौधरी देवीलाल ही। और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शमशेर सुरजेवाला जी के साथ, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ आप कभी नजर नहीं आए दिलबाग मोर सिंह जी। क्या ये भी कहते हैं कि उनके साथ बनते नहीं, क्या कहना चाहोगे आप? 27 और 28 साल तक मैंने बाप बेटे के लिए काम किया राजनीति में। जहां मैं 1991 के अंदर कांग्रेस में आ गया था, लेकिन उन वहां पर 1993 जो पहला चुनाव आया, जो पहला चुनाव था और रणदीप ने चुनाव जो पहला लड़ा, और वहां पर तो शमशेर सिंह सुरजेवाला राज्यसभा के लिए मेंबर बन गए थे, इसलिए वो जगह खाली हो गई थी। उससे ले कर आज तक मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहा और मैंने सुरजेवालों के लिए ही काम किया। मैंने पूरी ज़िंदगी, मेरी 25-28 साल तक मैंने सुरजेवालों को ही साथ लगाई, बल्कि कांग्रेस कम थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो मैं अभी तक भी PCC का मेंबर तक नहीं बनने दिया साहब लोगों ने। दिलबाग मोर जी, यहीं से एक सवाल मेरे दिमाग में और पनपता है कि जैसे कि गुटबाजी है, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पब्लिसिटी एडवाइज़र हो, लेकिन यहाँ पे सुरजेवाला का जो व्हाट्सअप है और हुड्डा साहब के उसमें आप काम कर रहे हो, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो सोनिया गांधी की रहनुमाई में ही कांग्रेस में हूँ, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं, और क्योंकि हुड्डा साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अब ये विपक्ष के नेता भी हैं, इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ। रणदीप भी कांग्रेस में है, दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस में है, और हमारी पार्टी की जो प्रधान है शैलजा, वो हमारी प्रधान है, हम सभी उन्हीं की देखरेख में काम कर रहे हैं जी। एमरजेंसी पे फिर वापस आते हैं, लोगों के मन में डर भय बना होता है, तो आज की जो BJP सरकार है और एमरजेंसी हालातों के बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जिन लोगों ने एमरजेंसी नहीं देखी, जिन्होंने सुना है, वो तो ऐसे भयभीत हैं, आज भी भयभीत हैं जी। उसके अंदर, लेकिन मैं आज मानता हूँ, मैं एमरजेंसी की कोई तारीफ नहीं करता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि दुनिया में कहीं एमरजेंसी लगे, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, आज से 45 साल पहले जो एमरजेंसी लगी थी और आज में जो अनडिक्लेयर एमरजेंसी है, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो अनडिक्लेयर एमरजेंसी जिसने लगाई हुई है, उससे कहीं बेहतर थी वो एमरजेंसी, क्योंकि कोई भी आदमी फाइल जो है ना,
एक दिन से ज़्यादा फाइल नहीं रख सकता था कोई भी अफसर वहाँ पर, और जो रेट लिस्ट थी वो रेट लिस्ट दुकानदार अपनी रेट लिखी होती थी, कोई भी आदमी सड़क पर जो ना कब्जा नहीं कर सकता था। ये सही थी कि एमरजेंसी सिर्फ बदनाम हुई तो नसबंदी के कारण हुई और वो अफसरों के कारण हुई, उसमें इंदिरा गांधी का और इसमें संजय गांधी का कोई, मैं नहीं समझता कि वास्ता रहा होगा। बीजेपी वालों का ये आरोप है कि कांग्रेस इस समय अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और किसान आंदोलन का लाभ उठाने में अपना अहम रोल अदा कर रही है। देखिए जी, बीजेपी तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बहन सुषमा स्वराज, इनके साथ दफन हो गई है। बीजेपी तो है ही नहीं, ये तो आरएसएस है जो शुरू से ही संप्रदायिक पार्टी रही है, इनका काम है। और ये तो एक बात नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम नहीं करती, तो ये तो वो हैं कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तो कौन है क्या है नाम तेरा, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। बदनाम करने में तो ये सबसे आगे हैं, इनका काम ही यही है। मैं आज भी मानता हूँ कि वो एमरजेंसी जो 45 साल पहले लगी थी इस राज से कहीं बेहतर थी, वो इस राज से कहीं बेहतर थी, आज भी मैं इसे मानता हूँ। आज की जेल और पहले की जेल में क्या अंतर, क्या बदलाव आपको नज़र आता है? हाँ, ये सही है कि वो जेल जो मैंने 1973 से लेके काटी, वो जेल जेल थी। उस जेल में कोई फंडामेंट्स राइट्स नहीं था। हम जब खाना खाते थे दाल के अंदर कम से कम भी दो हज़ार तीन हज़ार जो ना वो सुरसी कीड़े होते थे, कोई संभालने वाला नहीं था, दूध नहीं होता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, टेलीविज़न नहीं था, पंखे नहीं थे। ये सही है कि उसके बाद में जब चौधरी देवीलाल ने ये जेल का नाम सुधार घर रखा और उसके बाद में जेल रिफॉर्म कमीशन, छुट्टी वगैरह भी, छुट्टी भी नहीं थी। छुट्टी का तो ये आलम था कि 8.5 साल के बाद में पैरोल मिलना शुरू होती थी, लेकिन उसके बाद में जब जेल रिफॉर्म कमीशन का मुझे डायरेक्टर बनाया और चौधरी देवीलाल इसके चेयरमैन थे, पूरी शक्तियाँ मेरे पास ही थी। मैंने वहाँ सबके लिए उनके वैन भेजी ताकि कोई कैदी अगर बीमार हो जाए और उसको वैन में उसी टाइम अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर कोई कैदी बीमार होता था तो उसे लाइन में लिखवाना पड़ता था पुलिस में, अगर पुलिस के पास कोई पुलिस वाले नहीं अवेलेबल हुई तो कैदी जेल के अंदर मर जाता था। ये सारा अधिकार हमने जेल वालों को दिया, छुट्टी का अधिकार भी हमने जेल वालों को ही दिया, क्योंकि जेल का महकमा जेल से ही चलता है, पुलिस से नहीं चलता। ये टोटल जो टेलीविज़न लगाए और जेल रिफॉर्म की, दूध वहाँ जो लगाया, पहले दूध नहीं मिलता था, और हमने गुड़ की चाय बंद करके चीनी की तेल बंद करके घी वहाँ से शुरू किया, और उसका आलम ये हुआ कि अब जेल के अंदर बहुत कम क्रिमिनल हैं। सर मोर साहब, जब आप एमरजेंसी के दौरान जेल के अंदर थे, उस समय आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था? देखिए, उस समय तो एक ही बात जहन में होती थी कि कब ये एमरजेंसी हटेगी और हम जाकर के अपना गांव, अपना हरियाणा देखेंगे, देश देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, मतलब हमारी पूछ होगी, अगले की पूछ होगी, क्योंकि ना उस टाइम गांव में आदमी थे ना शहर में आदमी थे। ठीक उसी प्रकार वो जो एमरजेंसी थी, ठीक उसी प्रकार पौने दो साल से मैं ये देख रहा हूँ। जो बीजेपी की सरकार है वो भी एक एमरजेंसी के समान है, जो गांव नहीं देख सकते, शहर नहीं देख सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते, अपना राज चला नहीं सकते, तो ठीक उसी तरह हम तड़पते थे जैसे आज बीजेपी और जीजेपी वाले गांव में और शहर में बढ़ने से उनको याद आती है कि कब हम जा कर के गांव और शहर देखेंगे। ठीक इसी प्रकार की एमरजेंसी थी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिलबाग सिंह मोर जी, जो मौजूदा दौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पब्लिसिटी एडवाइज़र भी हैं, और इनसे जाना हमने एमरजेंसी क्या थी, लोगों के मन में भय और डर एमरजेंसी को लेकर क्यों है। आप बने रहे आप हमारे साथ, मैं हूं सन्नी प्रजापति, कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ।